नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और चलिए आज हम आपके लेकर आए हैं टेक न्यूज़। आज दिन भर की जितनी भी टेक न्यूज़ हैं हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आगे से आपको रोज़ एक टेक न्यूज़ का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो सबसे पहली आज की जो टेक न्यूज़ है वो ये है कि मतलब भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 58 ऐप को भारत में बंद कर दिया है, पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, सेरेट, यूसी ब्राउज़र, बहुत सारे जो फेमस भारत में ऐप हैं, वो बहुत सारे ऐप थे जो बहुत ही फेमस थे, उन सब को भारत ने आज मतलब कल शायद शाम को, कल 12 बजे के बाद से कोई भी ऐप अब भारत में अवेलेबल नहीं है, ना ही अब वो डाउनलोड होगा। जिनके पास डाउनलोड्स है वो भी शायद बहुत ही जल्द वो ऐप बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज दिन भर की। ठीक है, अगली हम न्यूज़ की बात करते हैं वो ये है कि टिकटॉक ने इस पर सफाई भी दी है। इसी न्यूज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि टिकटॉक ने इस बात पर सफाई भी दी है कि हमारा सरकार से जो बातचीत है वो चालू है और बहुत ही जल्द इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो हो सकता है कि आगे से टिकटॉक आपको फिर से भी वापस आ जाए भारत में, क्योंकि उनकी बातचीत चल रही है और टिकटॉक ने ये दावा किया है कि हमने किसी का भी डेटा किसी भी अन्य देश के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये भी एक बात है कि हो सकता है कि टिकटॉक भारत में दोबारा वापस आ जाए। ठीक है, तो बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जब चीनी ऐप को आपको बंद ही करना था तो जूम और पबजी को बैन आपने क्यों नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो जूम और पबजी है ये मूल रूप से चाइनीज ऐप नहीं है। ये पबजी में थोड़ा सा एक मतलब कंपनी है चाइनीज की, उसका थोड़ा शेयर है इसमें पबजी में, बाकी ये पूरी तरीके से पबजी मतलब चीनी कंपनी नहीं है। ये पबजी एक दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसे बनाया था और थोड़ी सी पार्टनरशिप के साथ, ये चीनी कंपनी के साथ मतलब साझेदारी है इसकी थोड़ी सी, पूरी तरीके से पबजी चीनी ऐप नहीं है, इसलिए नहीं हटाए। और अगर हम जूम की बात करें तो जूम की जो कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी ने ये बनाया है और अमेरिका में ही इसका मतलब पूरा सिस्टम बेस्ड है। ये जरूर है कि इसके जो फाउंडर हैं एरिक युआन, जूम के जो फाउंडर हैं एरिक युआन, ये जरूर चीन के हैं, मतलब इनका जन्म चीन में हुआ था लेकिन ये अब अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की इन्हें नागरिकता मिल चुकी है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली हम बात करते हैं फिलिप्स जो हेल्थ इक्विपमेंट बनाती है, हेल्थ से रिलेटेड मशीनें बनाती है, उन्होंने एक ICU बनाया है जो कि पोर्टेबल ICU है, यानी कि आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, किसी भी जगह पर एक ही दिन में ये किसी भी जगह, भारत की किसी भी जगह पर ये आसानी से पहुंच सकता है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये ICU बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें ना ही कोई अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ पानी और बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी सुविधाएं इस ICU में हैं, एमरजेंसी के समय इसे आसानी से काम में लाया जा सकता है। तो ये थी आज की टेक न्यूज़। आगे की हम टेक न्यूज़ बात करेंगे तो टिकटॉक के बैन होने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि जो फेसबुक का एक ऐप है कोलैब ऐप, इसका नाम है कोलैब ऐप, वो अब भारत में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ये अमेरिका और कनाडा में पहले से ही लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर ये अच्छा चल रहा है और ये iOS वर्जन में है, यानी कि अभी ये एंड्रॉयड वर्जन में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर iOS वर्जन में है। और अब आशा ये लग रही है, मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि ये भारत में भी अब बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है, टिकटॉक को ये टक्कर देगा, टिकटॉक की मतलब जगह ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऐप है कोलैब ऐप। देखते हैं आगे क्या होता है। और हम बात करते हैं कि अमेजन इंडिया ने ये दावा किया है, अमेजन जो एक मतलब सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट को सेलिंग करवाती है, बेचती है, तो उसने ये दावा किया है कि उसने पूरी तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया है, यानी कि उसका यूज करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद करेंगी तो बहुत ही फायदा होगा पर्यावरण को। ठीक है, आगे की न्यूज़ में बात करते हैं तो एक भारतीय ऐप है चिंगारी, इसके डाउनलोड्स बहुत ही जल्दी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी ये लॉन्च हुआ था और अभी अभी इसने 25 लाख डाउनलोड्स पूरे कर लिए हैं। इस ऐप का नाम है चिंगारी ऐप। चिंगारी ऐप टिकटॉक की तरह ही है, इसमें शॉर्ट वीडियो मतलब लोग शेयर करते हैं, बनाते हैं और लोग उसे देखते हैं, तो ये टिकटॉक की जगह हो सकता है कि आगे चल के ले ले, क्योंकि ये बहुत ही जल्द अपने डाउनलोड्स बढ़ा रहा है, 25 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं और अभी शायद 15 जून को ये रिलीज हुआ था। तो इस तरीके से ये ऐप भी बहुत ही जल्द, ये इंडियन ऐप है इसलिए ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि टिकटॉक बैन हो चुका है। अब अगली न्यूज़ की हम बात करते हैं तो अगली न्यूज़ है एक फ़ोन, अभी अभी एक फ़ोन लॉन्च हुआ है,
रियलमी सी एलेवन। तो इसके हम कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि क्या इसकी फीचर्स हैं। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की है, कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 13+2 यानी कि 13+2 के इसकी बैक कैमरा हैं दो। इसकी हम रैम की बात करें तो इसकी रैम है वो 2 GB है। इसकी हम स्टोरेज की बात करें तो 32 GB यानी कि 32 GB इसकी स्टोरेज है। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की इसकी बैटरी है। इसकी प्राइस अभी मार्केट में नहीं आई है, जैसे ही मार्केट में प्राइस आएगी तो हो सकता है हम आपको मतलब इसका बता दें। और अगला एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है आज, ओप्पो A11K, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका डिस्प्ले 6.2 इंच की है, कैमरा इसका 5 फ्रंट कैमरा है और 13+2 बैक कैमरा है यानी कि 13+2 का बैक कैमरा है। इसकी हम रैम की बात करें तो 2 GB इसमें भी रैम है। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो 32 GB स्टोरेज है। बैटरी थोड़ी कम है, 4230 mAh की इसकी बैटरी है और इसकी प्राइस है 8990 यानी कि 9000 की समथिंग ये आपको मोबाइल पड़ेगा। और ये आज ही लॉन्च हुए हैं दोनों मोबाइल। तो ये थी आज की कुछ खास टेक न्यूज़। आगे से आपको रोज़ शाम के शाम टेक न्यूज़ से रिलेटेड एक वीडियो मिलता रहेगा। इसमें हम दिन भर की टेक न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी कि क्या हुआ है टेक से रिलेटेड, कौन सी ऐप लॉन्च हुई है, कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है। तो इस बारे में हम रोज़ आपको एक वीडियो बना के देते रहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले